अयोध्या में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में शर्मनाक हार के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि गुंडे जबरदस्ती और प्रशासन की मदद से भाजपा ने यह जीत हासिल की है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी और सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संत कबीर नगर में पिता के अंतिम संस्कार के समय बीडीसी का अपहरण किया गया, इटावा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला करके एसपी को थप्पड़ जड़ दिया, बस्ती में सपा के जिला अध्यक्ष के घर पुलिस ने छापा मारकर फर्जी जेल भेज दिया, इसी तरह अयोध्या में सपा की जीती हुई सोहावल सीट पर बस्ती से लाए गए फर्जी प्रपत्र पर वोट डालकर हराया गया। इससे साफ है कि भाजपा ने किस तरह सत्ता का दुरुपयोग किया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में सत्ता और प्रशासन के बल पर जीत हासिल की है और प्रशासन भाजपा का एजेंट बना रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो सौदा किया है वो 2022 में महंगा पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की आंधी आएगी और उनकी पार्टी पूरे बहुमत से जीत दर्ज करेगी। धमका करके ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा किया गया, हथियाने का काम किया। कितनी दर्दनाक और शर्मनाक बात है कि संत कबीर नगर में जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य थे उनके पिताजी का निधन हो गया था, उनकी अर्थी लेकर के दाह संस्कार के लिए जा रहे थे, उनका किडनैप कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया। क्या इसकी कल्पना कभी की गई थी कि आजाद देश में इस तरह से घटनाएं होगी, इस तरह से नंगा नाच होगा कि कोई अपने बेटा अपने बाप की अर्थी और श्मशान घाट तक न जा सके, दाह संस्कार न कर सके। लेकिन ये संभव केवल योगी बाबा के राज में ही संभव है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। यही नहीं, उन्नाव में सीडीओ ने पत्रकारों को मारा, इटावा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला किया और बस्ती में हमारे अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के घर पर छापा मारा गया। यहां जीती सीट थी, उस सीट पर हमें जो जानकारी मिली है बस्ती से फर्जी चुनाव परिपत्र बना करके बस्ती से का वोट यहां डाला गया और चुनाव में हराने का काम किया गया। यही हाल हमारे अमानीगंज में, जीती जिताई सीट थी अमानीगंज में, लेकिन सत्ता के बल पर यहां तक कह दिया गया कुछ लोगों को कि आप वोट न डालिएगा, इसका इल्जाम बुरा होगा, आप पेपर लेकर बाहर चले आइएगा। ये घटनाएं हुई हैं और इस तरह से फर्जी जो है अमानीगंज में भी जीत थी फर्जी, नहीं तो नहीं जीतते, किसी कीमत पर जीतते। मिल्कीपुर ब्लॉक में तो भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत ही नहीं पड़ी अपना उम्मीदवार खड़ा करने का, उतारने का। हरिद्वीनगंज में हम जीते हैं, समाजवादी पार्टी जीती है, आनंद सेन यादव जी का बेटा जीता है और वहां भी ये सफल हो जाते अपनी योजना में, लेकिन वहां की जनता का दबाव था, पूरी तरह से दबाव था, भीड़ थी, इस दबाव के कारण उनकी एक भी नहीं चली, नहीं वहां भी करती। हमें बीकापुर की खबर मिली है, जितनी सीटें जो है जीता है, चाहे फैजाबाद की हो चाहे उत्तर प्रदेश की है, ये ईमानदारी से जीत नहीं हुई है, ये सत्ता बल के आधार पर जीत हुई है। और ये सौदा जो किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, ये सौदा 22 में इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। 22 में जो जनता का चुनाव होगा, मैदान में चुनाव होगा, तो इस समय इनको पता चल जाएगा, ये चुनाव इनके लिए महंगा पड़ेगा। कई क्षेत्रों में प्रदेश के विधानसभाओं में इनके उम्मीदवार की जमानतें तक नहीं बचेगी, समाजवादी पार्टी की आंधी आएगी। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी जिला के तहसील मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, किसान, नौजवान, व्यापारी जो कहीं न कहीं समाज का हर वर्ग इस राज्य से परेशान है, दुखदायी है, चाहे महंगाई की मार हो, चाहे किसानों की साढ़ की खेती से आह्वान करते किया है कि बहुत इतना का आदमी आवे और इनकी सरकार की जो कलई है खोलने का काम करें और आने वाले दिन के लिए समाजवादी पार्टी के लिए एक मैदान, अच्छा मैदान तैयार करें। धन्यवाद।